जितने भी ये बसें खड़ी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई है ना, पूरा का पूरा इंडस्ट्री एरिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जी, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और हम गाड़ी लोड करके चल पड़े हैं भाई। अभी जाएंगे चंडीगढ़ 26 सेक्टर में, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है ना, वहाँ पे जाएंगे। और टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं, तो चाय तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। और वैसे रेड लाइटें भी काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। जहाँ ट्रैफिक होता है ना, वही रेड लाइटें चालू होगी, बाकी सब है बंद होगी इस टाइम। हमें लेना है डीजल, अगर कहीं पेट्रोल पंप मिल जाएगा ना खुला, तो अपना काम हो जाएगा। क्योंकि डीजल है गाड़ी में वैसे, लेकिन डलवा लेते हैं 5,000 रुपये का डलवाना। वैसे यही अपने को टैंक फुल करवाना है, गाड़ी लोड करने के बाद भी करवाना है, तो अभी 5,000 रुपये का डलवा देंगे ना, तो थोड़ा अपने को टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि गाड़ी में डीजल कम होता है ना, तब टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है दिमाग पे। अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि पंचकूला है या चंडीगढ़, दोनों मिक्स ही हो गए हैं। पहले गाड़ी लोड करने के लिए आते थे ना, तो ऐसा लगता था कि पंचकूला जाना है गाड़ी लोड करने के लिए। और अभी जो पंचकूला बोलते हैं ना कि पंचकूला से लोडिंग है, तो वैसे फील नहीं होता है कि हमें इतनी दूर जाना है लोड करने के लिए। ये चंडीगढ़ के अंदर ही मिक्स हो गए हैं, सिर्फ बैरिकेडिंग लगे हुए हैं कि हाँ ये हरियाणा है, ये पंजाब है। ट्रक्स वाले कैसे घूम रहे हैं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नाइट में आए हैं। अपना गाड़ी तो कल सुबह ही लोड हो गया था, लेकिन ये नज़ारा दिखाना था आपको, इसलिए हम नाइट में आए हैं। एक बार ये नज़ारा देखो भाई, कितनी लाइटें लगी हुई है और सर्कल पे आ रहा है ना भाई, ये नज़ारा है चंडीगढ़ का। नाइट में चंडीगढ़ बहुत ही प्यारा लगता है, इसीलिए हम नाइट में आए हैं, ताकि मान लो कोई कैमरे वैमरे की नज़र में भी ना आए हमें, और वीडियो भी आराम से बना सके। हर चौक पे ऐसे लाइटें लगी हुई है, ये नज़ारा है चंडीगढ़ का नाइट का। और गाड़ियाँ यहाँ पे इतनी वीआईपी गाड़ियाँ घूम रही है कि पूछो ही मत भाई। यहाँ पे पता चलता है कि हाँ अभी हम चंडीगढ़ में है या हरियाणा में है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है और ट्रक की नो एंट्री है, लेकिन है वो सुबह 8 बजे से। पूरा दिन आप 10 बजे के बाद घूमते रहो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें घूमना है यहाँ से लेफ्ट, लेकिन अभी हमें डीजल लेना है, तो पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बाकी सब काम ठीक है। अभी हम चंडीगढ़ में इंटर हो गए हैं। और रात के बज चुके हैं 12, और चंडीगढ़ पुलिस अभी भी चेकिंग कर रही है। ये सही बात है, क्योंकि इस टाइम क्या है, जो कार वगैरह वाले हैं या बाइक वाले हैं, ये शराब पी के चलते हैं। वैसे बदनाम ट्रक वाले हैं, लेकिन वाले का कभी ड्रिंक एंड ड्राइव का चलान हुआ हो, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा। अगर कहीं 100 में से एक बार हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन करीबन नहीं होता है। और हम यहाँ से राइट घूम जाएंगे, क्योंकि सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ से डीजल डलवा के रिटर्न घूम जाएंगे, ये काम अच्छा हो जाएगा अपना। रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे। अन्ना बॉडी गाड़ी देखो भाई, चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, और रोड अभी धीरे धीरे खाली होने लग गया, ट्रैफिक कम हो गया, और 1 बजने वाला है। हमें नींद नहीं आ रही थी, और इस साइड कॉफ़ी शॉप बना हुआ है, तो क्या कॉफ़ी पी रहे थे आराम से खड़े खड़े वहाँ पे,
और ये भाई गाड़ी की फोटो खींच रहे हैं। इसको बोलते हैं बिन मतलब का जाम, और ये इस गाड़ी वाले ने लगा दिया पूरा का पूरा जाम भैया जी ने। अभी क्या बोलें भाई, ये गाड़ियां रोड पे खड़ी हुई है ना, इन गाड़ियों के कारण जाम लगा हुआ है। ये दोनों साइडों में गाड़ियां रोड पे खड़ी हुई है, सामने से अगर पिकअप भी आ जाएगा ना वो भी नहीं निकलेगा। और पार्किंग है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पार्किंग नहीं है, पार्किंग है बहुत बड़ी, इसमें हजारों गाड़ियाँ खड़ा हो सकता है पार्किंग में, लेकिन इनको लगाना रोड पे ही, और वो भी 50 रुपये के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया जी आप भी तो बीच में घूम रहे हो, तो हम पार्किंग में से गए थे माल उठाने के लिए, और वहाँ से माल उठाते ही तुरंत वहाँ से निकल लिए हम। अभी अपने को एक जगह और जाना है, वहाँ से 15 से 20 कार्टून वो उठाने हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो दिन में चंडीगढ़ में तो वीडियो बना नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि चालान का बहुत ज़्यादा डर है, एक ही बत्ती की प्रॉब्लम है, यहाँ से तो हम बत्ती से पहले ही घूम जाएंगे, क्योंकि अपने को इसी साइड जाना है। इससे आगे एक रेड लाइट आएगी, वहाँ से अपने को राइट घूमना है, और जाम देखो भाई बत्तियों में, चारों तरफ जाम लगा हुआ है। ये जो डेरा बस्सी वाला टोल टैक्स है ना, इसके ऊपर आप कभी भी आ जाओ, नाइट में आ जाओ, दिन में आ जाओ, मतलब 24 घंटे में आप कभी भी आ जाओ, आपको यहाँ पे जाम मिले ही मिलेगा। क्योंकि ये क्या है पता नहीं, एक तो चलता स्लो है क्या, या फिर पता नहीं सिस्टम क्या है इसका। एक बार इस साइड नज़र मारो, कारों की लाइन लगी हुई है, ये दो लाइन ट्रकों की है, ट्रकों की भी देखो आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, हालत देखो एक बार टोल की। और कोई नहीं बोल रहा है, यहाँ पे पुलिस वाले भी जा रहे हैं और मंत्री संतरी भी जा रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है कि ये आपने क्या कर रखा है। पता नहीं लोग, अगर मान लो कोई बड़ी गाड़ी वाला साइड दबा देता ना किसी कार वाले की, तो उसको ऐसे मारने के लिए आता कि पता नहीं इसने क्या कर दिया है। और अभी कोई भी नहीं बोल रहा है, यहाँ पे आके दुख होता है अगर मतलब किसी ट्रक से गलती से गाड़ी लग गया मान लो, या फिर ड्राइवर की गलती से ही लग गया, ये पकड़ लो आप, तो कम से कम आप ये तो सोचो कि भाई गलती से हुआ है ये, उसको तो आप मारने चढ़ जाते हो, अभी क्यों नहीं बोल रहे। इस टोल पे कोई नहीं बोल रहा है, ये जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं ना बना के कि सिस्टम पाड़ देंगे सिस्टम पाड़ देंगे, तुमसे ये टोल की डंडी नहीं तोड़ी जा रही। और यहाँ पे वो सिस्टम है 5 मिनट वाला, वो तो क्या भाई, यहाँ पे तो 1 घंटे का भी सिस्टम नहीं बनता है, 1 घंटे तक गाड़ी वेट करना पड़ता है। और ये आ गई वोल्वो की गाड़ी, डिलीवरी की, डिलीवरी वालों की गाड़ी आ गई भाई वोल्वो की, देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है। ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए सारी इंडिया में, सब की सब गाड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए। अभी इसको जल्दी पड़ी है, पहले 40 मिनट से यहाँ पे लाइन में खड़े आता, अभी ये सोच नहीं रहा है, 1 घंटा से लाइन में खड़े आता, तब जल्दी को नहीं हुई इतना। सर्विस रोड पे आए थे जल्दी निकलने के लिए, और आगे क्रेन लगा रखी है, क्रेन लगा के रोड बंद कर रखा है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। यहाँ पे कुछ हादसा वगैरह तो नहीं हुआ है, फिर भी जाम लगा हुआ है, सामने भी जाम लगा हुआ है, चल क्या रहा है आज। तो जब से चंडीगढ़ से निकले हैं ना, तब से जाम 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 लगा हुआ है, हर जगह जाम मिल रहा है, इस रोड पे कभी भी जाम नहीं लगता है, आज पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ।
गाड़ियाँ पता नहीं ख़राब हो गई है। ये गाड़ी रोड के बीच में खड़ी हुई है, शायद ये गाड़ी ख़राब हो गई है, टायर फट गया। इतनी बारिश होने के बावजूद भी इतनी गर्मी है, इतने कार वाले जा कहाँ आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। कारों की देखो कैसी लाइन लगी हुई है। और फिर ये बोलते हैं कि गाड़ी ठोक दिया। अभी आपने देखा होगा ये कार वाला पीछे कैसे साइड दबा रहा था। इसको ये पता नहीं अगर ये थोड़ा सा भी लग गई ना, कहीं से लाइट उठाएगा, कहीं से साइड वाली डोर उठाएगा। अभी ये गाड़ी वाले को पीछे ठोक दिया था ट्रक वाले ने। ट्रक वाले ने तो क्या ठोक दिया, ट्रक वाले के पीछे ठोक दी कार वाले ने, और ट्रक वाला तुरंत ही फरार। उसी टाइम फरार ट्रक वाला, हम उसके पीछे ताकि उसके नंबर नज़र ना आए, क्योंकि उस गाड़ी का बम्पर मुड़, पीछे वाला बम्पर था ना वो मुड़ गया था। और वो कार वाला था ना वो इतना ज़्यादा चालाक बन रहा था कि नंबर की फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, तो हमने गाड़ी बीच में लगा दिया ताकि उस गाड़ी के नंबर नज़र ना आए। अपनी गाड़ी की खींचा होगा फ़ोटो, लेकिन अपने गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना पीछे वाला बम्पर बिल्कुल ओके है, कहीं से भी टच नहीं है। बोल भी नहीं सकता है कि किस गाड़ी वाले ने ठोका है। यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। और ये राइट साइड में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये है पंजाब बॉर्डर। यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी होती थी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक लंबी। रेस्ट गाड़ी वाले को कोई परेशानी नहीं होती है। पूरा पूरा दिन गाड़ी वालों का ख़राब कर देते थे कि आपकी गाड़ी का ये नहीं है, वहाँ से लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट मंगवाओ, फिर जाके कहीं मोर लगती थी। मतलब पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात ख़राब कर देते थे ये लोग। और हरियाणा में तो बॉर्डर था ही नहीं कभी, हरियाणा में एरियल लगे होते थे, उसमें कोई नहीं रोकता था हरियाणा में तो। कि हाँ कभी कुछ चेकिंग वगैरह चल रही होती थी तो पुलिस वाले बोल देते थे कि क्या माल है, बस इतना ही पूछते थे। फार्म वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। अपने को जाना है इस ब्रिज के नीचे, नीचे से राइट घूमना है, हमें अम्बाला बाईपास पे जाना है ना। क्या हुआ, नहीं गाड़ियाँ टोचन कर रखी है, हम सोच रहे थे कि ठुक गई गाड़ियाँ सब की सब। नीचे खड़ी हुई है हरियाणा पुलिस, ये नहीं बख्शेंगे किसी हालत में भी। अगर कोई कैमरा हाथ में देख लिया ना तो ये नहीं बख्शेंगे। एक तो भाई पता नहीं बन क्या रहा है, ये रोड बिल्कुल नया रोड था और सीमेंटेड रोड था, अभी यहाँ से देखो आप तोड़ दिया। पता नहीं बना क्या रहे हैं, पहले रोड बनाते हैं उसके बाद तोड़ते हैं, फिर कुछ ना कुछ बनाते हैं फिर उसको तोड़ते हैं, ऐसे ही चलता जा रहा है। बन क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये ब्रिज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना छोटा तो ब्रिज होगा नहीं। और इसके नीचे से कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई नाला हो छोटा पानी इधर उधर जाने के लिए, वो भी सिस्टम नहीं है। फिर बन क्या रहा है, रोड देखो एक बार आप, बिल्कुल नया रोड है, सीमेंटेड रोड है, अभी बनाया था ये, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। ये लोग जा कहाँ रहे हैं, ट्रैक्टर लेके ढोल बाजा लेके, देखो पीछे भी 4 से 5 ट्रैक्टर आ रहे थे और यहाँ पे भी 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं। गणपति जी, गणपति जी, गणपति जी, गणपति जी, गणपति विसर्जन होगा शायद। बाढ़ आ गई क्या साइड में?
इतनी ज्यादा तो यार ऐसा रोड हो जाए, क्योंकि ये जो इतना ज्यादा नहीं डाल रखा है, डाल दिया पब्लिक को ऐसा लगे कि रोड टूटा हुआ नहीं है। ऐसे हो गए 30 किलोमीटर रोड के साइड में से इधर घूमते रहो उधर घूमते रहो, इसलिए 30 किलोमीटर हो जाता है ये, वरना रोड तो ये 20 किलोमीटर का है पूरा। पर आज है कुछ ना कुछ, आज शायद गणपति विसर्जन हो सकता है, हमें ये देख के आइडिया लग रहा है। कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के जा रहे हैं, आगे डीजे लगे हुए हैं डबल डबल, एक ये भी डीजे रखा हुआ है, एक आगे खड़ा हुआ है। हम पहुंच गए हैं केथल बाईपास पे और गाड़ी हम लोड करके ले आए थे, एक माल और डाल के लेके आए थे थोड़ा सा, वो ऊपर ही डाल रखा है, ज़्यादा नहीं है भाई, 20 कार्टून के बॉक्स है काफ़ी बड़े लेकिन 20 है, तो इसलिए हमें थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए थे भाई, क्योंकि थोड़ा टेंशन चल रहा था इसलिए वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। अभी फिर थोड़ा टेंशन कम हुआ है, टेंशन कम होती है हमने वीडियो चालू कर दिया और अभी जाएंगे हम घर पे। वीडियो आएगी ना उसमें दिखाएंगे भाई अपना घर, और काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई कहाँ पे रहता है तुम, हरियाणा का है या राजस्थान का है या पंजाब का है, कहाँ का है, क्योंकि भाई भाषा मतलब पूरी मिक्स ही हो गई है, साथ में हरियाणवी भी राजस्थानी भी थोड़ा बहुत पंजाबी भी, तो समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि मैं हूँ कहाँ से। तो अगले ही जो वीडियो आएगी ना उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ। इंस्टाग्राम वाले आए हुए हैं रील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम रील बना रहे हो या आपस में लड़ाई कर रहे हो, वो उसको धक्का मार रहा है उसको धक्का मार रहा है, बहुत अच्छा ये आपने सही काम किया भैया जी, रोड पे गाड़ी खड़ी करने वाला, ऐसा टैलेंट आपके पास कहाँ से आया, ये आपने कहीं से सीखा है या फिर गाड़ी सिखाने वाले ने बताया आपको कि आप चलते चलते ऐसी गाड़ी रोड पे खड़ा करना। लगता है कभी बड़ी गाड़ी वालों के चपेट में आए नहीं है भाई साहब। जिस दिन बड़ी गाड़ी वालों के चपेट में आ जाएंगे ना उसके बाद रोड पे नहीं खड़ी करेगा।